वेलकम मिस बानू। थैंक यू। सीजर अभी तक नहीं आया है? नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है। पापा को यहाँ छोड़ के नहीं जाना है मम्मा। मैं जानती हूँ बेटा, पर हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी जिनेवा में ही बिताई है। सही कह रही हूँ ना? तुम्हारे सारे दोस्त, मेरी नौकरी, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ वहीं तो है ना बेटा। लेकिन मुझे यही रहना है। पर यहां अब हमारे लिए यहां कुछ भी नहीं बचा है, और हम पापा को भी साथ ले जा रहे हैं ना। हमारे दिलों में उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। हमें ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा बेटा। मैं ये तुम्हारे लिए करूंगी, इसलिए हमें जाना होगा। मैं बहुत पास आ गया हूं, बस अब थोड़ा सा ही बचा। आपसे यह वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अब रोने की बारी उसकी है। फिक्र मत कीजिए, आपका दिन अच्छा। आपका भी मैम। Hey, thank you so much. Thank you. Good morning. कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो सुहान को छोड़ ही नहीं पाए। हाँ, तो फिर तुम ऐसे दरवाजे पर खड़ी रहोगी? वो एक्चुअली सुनान आई थी, उमेर को लेकर चली गई। तुमने ब्रेकफास्ट किया है? हाँ, वो कर लूंगा। कोई ऊपर है तो नहीं? नहीं, बाद में मिलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। कौन है? बानू, क्या हुआ? कुछ नहीं, आज कोई काम नहीं है, मेरी मीटिंग्स भी कैंसिल हो गई हैं, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। थैंक्स, पर आज मैं कॉलोधक वापस जा रहा हूं। सीजा, तुम्हारा बदला एक दिन रुक नहीं सकता क्या? मैं बिना एहसान कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने वाला हूं। आई मिस यू।
बानू बात सुनो, हमने ये जो चैप्टर है उसे पहले ही दिन बंद कर दिया था ना, है ना? अब वापस उसे खोलने से एक बार फिर से बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हम ऐसे ही ठीक है ना बानू? तुम सिर्फ अपनी बात करो। मैंने तुमसे कभी भी प्यार करना छोड़ा नहीं था। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। देखो इस वक्त हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और ऐसे में हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। सीजा तुम श्योर हो ना कि तुम सुहान की वजह से कंफ्यूज नहीं हो, या फिर उसने तुम्हें सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिया? मैं कुछ भी भूला नहीं हूं, मुझे याद है मुझे क्या करना है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन तुम कह रहे हो तो ठीक है। ये जानना कि तुम्हें मेरी जरूरत है मेरे लिए उतना ही काफी है। बहुत लोगों को परेशानी होती है, जैसे कि मैं लियो हूं। सुहान तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, हम बेबी की हार्ट बीट सुनने वाले हैं। चलो 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 चलो। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुहान। क्या तुम इसे रिकॉर्ड कर सकती हो? मुझसे नहीं हो रहा। मुझे दीजिए। डॉक्टर पहले ही रिकॉर्ड कर रहे हैं पापा, वो हमें उसकी कॉपी दे देंगे। अरे वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर। कोरहान कहाँ पर है? वो घर पे है। चलो डॉक्टर शुरू करते हैं। देखो इसे। डॉक्टर क्या आप इसकी एक कॉपी मुझे भी दे सकते हैं? बस कुछ मेमोरीज के लिए। ओह वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे बेबी भाग रहा है। ए डॉक्टर, जरा ये भी तो बताओ कि ये लड़का है या लड़की? अभी तक देख नहीं रहा। हमें शायद ये अगले महीने तक पता चल जाएगा। आ जाओ आओ, अपने बच्चे की धड़कन सुनो। ये दुनिया की सबसे अच्छी आवाज है। जाओ जाओ वहां। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। चलो, देखा बच्चे का दिल टक 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 कैसे भाग रहा था, सुनने में कितना मजा आया। आई एम सो सॉरी, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ जिसने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब की भूल गई हूँ। आई लव यू, आई लव यू चाय दे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। गेट वेल सून। थैंक यू।
मेरा पेट तो भर गया है पर पता नहीं क्यों और खाने का मन कर रहा है। तो फिर ये सब खाओ, मैराथन वाले को भूखा मत रखो। तुम्हारा ब्लड काउंट तो बहुत कम है, तुम्हारा आयरन भी कम है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेड मीट, वॉलनट, हेजलनट, आमंड्स, ग्रेप्स और साथ में विटामिन सी की गोलियां खानी चाहिए। ये तुम्हारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। सुना, इसकी बात सुनी तुमने? अगर ये सब चीजें मुझे कल टेबल पर नहीं दिखी तो फिर देख लेना। जी, मैं ध्यान रखूंगी। ओके, मैं चलती हूँ, मुझे वर्कशॉप जाना है। अपना ख्याल रखना सुहान। कल रात तुम किसी दोस्त के साथ डिनर कर रही थी, हमारी बात नहीं हुई। हम सीजा के साथ डिनर कर रहे थे। अच्छा, वो भी इस्तांबुल में था। हम वहां मिले तो उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। मैंने बानू को भी देखा, उसे एक बच्चा भी है। सीजर से? सॉरी, नहीं, उसका अभी डिवोर्स हुआ है। उसका 4 साल का बेटा है उमेर, वो बहुत क्यूट है। वो दोनों सीजर के घर रह रहे हैं। तो सीजर दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? नहीं, शायद बिजी है, मुझे नहीं पता। चलो बाय बाय। गुड बाय। अब मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था जब मैं घर में नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मिस चाहिदे नहा रही थी, शायद तुम्हारे भाई के बारे में कंप्लेन कर रही थी, और फिर जब वो उठी तो फिसल कर गिर गई। अब वो सब छोड़ो, बताओ वो वापस कब आ रहा है? पता नहीं। तुम लोग बानू के साथ थे पूरी रात? मुझे लगा तुम लोग अकेले थे। बानू नहीं थी, हम अकेले थे। सच में? और फिर हमने डिनर किया और फिर उसने मुझे घर छोड़ दिया। क्या वो घर के अंदर आया? हाँ, कॉफी पीने। ओके, तुम लोगों ने किस किया? नहीं। Are you sure? मुझे पता है कुछ तो जरूर हुआ है और तुम मुझे बता नहीं रही हो। हम दोनों ने सिर्फ बातें की, पुरानी यादों के बारे में, और फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो चला गया। मतलब वो तुम्हें जानने लगा है? और नहीं तो क्या, वो समझ गया है कि अगर वो तुम्हारे और करीब आया तो वो तुम्हें खो देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ। मैं चल के जा रही हूँ, तुम बाद में आ जाना। ठीक है मैम। Thank you.
मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, सिर्फ छोटे बटरफ्लाई का डिजाइन चाहिए जैसे मैंने बताया था। ठीक है। हाँ बोलो बुलंद, अभी आती हूँ। मेरी बच्ची ऐसा मत करो, मेरा मूड खराब मत करो ऐसा चेहरा बनाकर। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं थक गई हूँ आपको सबसे बचाते बचाते। वो प्रॉपर्टी में घुस गई थी। आपने उससे भी खराब चीजें किए हैं। आप उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पापा सब आपसे नफरत करते हैं, बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुहान बस करो। क्यों बस करूं? घर पर कोई आया हुआ है। I'm sorry, papa. लगता है पॉपुलर नहीं रहा मैं। इन दो दिनों में कठपुतली बन गया हूँ। कहते हैं अगर भेड़िया बूढ़ा हो जाता है तो वो कीड़ों के लिए मजाक बन जाता है। कहाँ थे तुम? इस्तानबुल में था। हाँ सुहान ने बताया था तुम लोग डिनर पर गए थे। हाँ वो यहाँ बाय बोलने आया है। क्यों? मैं एक होटल में रहने वाला हूँ और अब वहीं से काम करूंगा। अच्छा। हाँ और मेरी मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिनर के लिए नहीं रुकोगे? नहीं मुझे अभी थोड़ा जरूरी काम है। मिस रेहान इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा ख्याल भी रखा। गुड बाय मिस ब्राइड। मैं जल्दी सुहान को बुलाकर लाती हूँ। नहीं उसे तंग मत करो, मैं फिर मिलूंगा। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। केमाल जल्दी करो। घर जल्दी से बनाना है इसलिए इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है। बाद में मिलते हैं मिस्टर साली, यहाँ से जल्द निकलना है। मुझे भी यहाँ से जल्द निकलना है। मुझे राहत मिली जब आपने एक महीने की बात कही। ठीक है फिर तुम लोगों को जल्दी तैयारी शुरू करनी होगी। सच में? महीने के अंत में घर तैयार चाहिए तो करना ही होगा ना। मैं तो अभी से ही एक्साइटेड हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। मैंने सोचा बाहर जाकर थोड़ी देर वॉक कर कर आऊं, पर यहाँ पर तो बहुत ठंड है। तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? कौन? सीजर? वो गया क्या? तुम सच में झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हो। हाँ एक मिनट रुको, अब तो मैं जानती हूँ कि जरूर कुछ हुआ है और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे बताती नहीं। कुछ नहीं हुआ। वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी अच्छा बिहेव करता है कभी बुरा बिहेव करता है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं? बाहर निकलो। देखो सुहान मैं जानती हूँ कि तुम सीजर के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर फील करती हो और मैं ये लिख कर कह सकती हूँ कि तुम जरूर कुछ फील करती हो। हेलो। तुमने तो मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया।
तुम चाहो तो अपने पापा की जगह खुद भी ले सकते हो। मैं किसी के सामने पापा को एम्बैरस नहीं करती। वो एम्बैरस नहीं होते। और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे नाराज भी हैं। अपना ख्याल रखना सीजा, और पट्टियां बदलते रहना। अगर मैं खुद नहीं कर पाया तो तुमको बुला लूंगा। हॉस्पिटल तुम्हारे होटल से नजदीक ही है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। गुड नाइट। गुड नाइट।